बर्ड फ्लू और किसान आंदोलन साल 2021 के शुरुआती महीने की अड़चने हैं। जहां कोरोना की वैक्सीन 16 जनवरी से आम जनता को लगेगी, तो वहीं बर्ड फ्लू को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है। वहीं इन दोनों अड़चनों का समाधान तो सरकार ने कर दिया, लेकिन किसान आंदोलन की सुई अब तक वहीं अटकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं जया दायमा, स्वागत करती हूं आप सभी का हिंद नाउ में। किसान आंदोलन को शुरू हुए 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में 15 जनवरी को सरकार के साथ एक और बैठक होगी, लेकिन आज की किसान आंदोलन से जुड़ी ताजा खबर क्या है, जानिए इस वीडियो में। किसान आंदोलन के बढ़ते दिन इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं। विपक्षी दल केंद्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार के नेता किसानों को घेरते हुए कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे आरोपों की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर ने किसान आंदोलन में जुटे प्रदर्शनकारी किसानों पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो प्रदर्शन स्थलों पर चिकन बिरयानी खाकर बर्ड फ्लू फैलाने की साजिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार तुरंत आंदोलनकारियों को एकत्रित होने से रोके, ताकि देशवासियों को बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचाया जा सके, क्योंकि तथाकथित किसानों को देश की कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ पिकनिक और विलासत का आनंद उठा रहे हैं। किसानों पर टिप्पणी करने के बाद बीजेपी विधायक ने अपनी बात को चाशनी में डुबोते हुए किसानों को कहा कि आपके बीच लुटेरे और चोर भी हो सकते हैं और आपके दुश्मन भी, जो सभी इस आंदोलन के चलते हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो हमारे किसान भाइयों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार के दिन जहां मदन दिलावर ने किसानों पर टिप्पणी की, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने इस खून जमा देने वाली सर्दी में अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जिससे ये साफ जाहिर है कि किसानों के तेवर काफी कड़े हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक किसानों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। इस बीच चाहे कोरोना का नया स्ट्रेन अपने चरम पर पहुंच जाए या फिर बर्ड फ्लू का कहर बढ़ जाए, लेकिन किसान इसी तरह अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आंदोलन उस सूरत में किया जाता है जहां सरकार आपकी बातों को अनसुना कर रही हो, लेकिन किसान आंदोलन में सरकार अब तक किसान संगठनों के साथ 9वें दौर की बातचीत कर चुकी है, जहां सरकार कृषि बिलों में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसान चाहते हैं कि सरकार सिर्फ उनकी बात को मानते हुए बिलों को खारिज कर दे। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद अपने अपने उनके तर्क नजर आते हैं और उनका नजरिया भी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि किसानों के इस मुद्दे पर सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी और ये आंदोलन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए कई बॉर्डर्स को बंद किया गया है, जिसकी वजह से आम जनता को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस सूरत में सरकार क्या फैसला लेती है, उसका इंतजार किसानों से लेकर आम जनता तक सभी को है। किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट को जानने के लिए हिंद नाउ को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और जानें रोजाना की ताजा खबरें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।